बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू माय चैनल एएच खाना पुटना। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। तो जी, आज रात के 9 बज रहे हैं और मुझे शदीद भूख लगी हुई थी। तो कल रात जो है ना, मेरी मामा ने मुझे साग बनाकर भेजा था, तो मैंने तो कल पराठे के साथ खा लिया था। आज मेरा बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था कि मैं रोटी के साथ खाऊँ, और कुछ पड़ा भी नहीं था, तो इस वजह से ना मैंने सोचा आज कोई नई जुगाड़ लगाई जाए। तो ये देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ कि मामा ने कल साग भेजा था, बहुत ही अच्छा था। आपको पता है, रोज़ रोज़ फिर साग खा कर इंसान जो है ना, वो थोड़ा सा उसका दिल बैठ जाता है। तो मैंने कहा मैं ठहर ठहर कर इसको अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ करूँगी। तो जी, यहाँ पर मैंने साग जो है एक प्लेट में डाल लिया है, और मैंने सोचा साथ में आज इसके बॉयल चावल बना लेती हूँ। हालाँकि मैंने कभी खाए ही नहीं है, तो ऐम ही मेरे दिमाग में आइडिया आया। मैंने कहा टेस्ट करके तो देखूँ कैसा लगते हैं। तो जी, यहाँ पे मैंने चावल जो है ना बॉयल करने के लिए रखे हुए हैं। तो आपको पता है बॉयल तो कैसे करते हैं। मैंने इसके अंदर जी वन कप जो है ना, मैंने बॉयल चावल लिए थे, उसके अंदर मैंने थोड़ा सा ऑयल ऐड किया, थोड़ा सा ज़ीरा ऐड किया, और थोड़ा सा नमक ऐड करके, और पानी, आप खुला पानी डाल सकते हैं इसके अंदर। और तो मैंने यहाँ पे चावल बॉयल किए हैं। तो ये मैं देख रही हूँ कि अभी देखें हो रहे हैं बॉयल, देखें आहिस्ता आहिस्ता। तो जी, आज की रेसिपी जो है कुछ डिफरेंट होने वाली है। देखें क्या बनता है, मुझे खुद नहीं अभी आइडिया कि किस तरह की बनेगी। तो अगर तो अच्छा लगे तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी, तो ज़रूर ट्राई करिएगा आप लोग। तो जी, यहाँ पे जी बॉयल हो गए हैं चावल। यहाँ पे मैं उसको ड्रेन आउट कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने उसका सारा पानी जो है ना, वो मैंने निकाल लिया। ये पानी निकाल लिया मैंने। अब जी, ये साइड पे मैंने साग रखा है सारा, और साथ जी मैं बॉयल चावल डाल रही हूँ इसके। ये जी मैंने बॉयल चावल डालिए। ये आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो है ना डाल सकता है इसमें पानी जो है ना, जो मैंने इसमें पानी की क्वांटिटी डाली थी। खुले पानी में जितने अच्छे चावल पकते हैं ना, देखिए कितने अच्छे बने हैं, हर चावल एक अलग अलग है। साथ जी मैंने यहाँ पे लीमू काट के रखे हैं ऊपर। ये मेरी नई रेसिपी, आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है, मज़े का ही बनाओगे इंशाल्लाह, मुझे पता है। मैं भी फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ। साथ जी ऊपर आप ऊपर कोई मसाला, अच्छा सा चाट मसाला डाल लें। मैंने भी ऊपर चाट मसाला डाला था। अगर आप अचार लेना चाहें तो साथ अचार ले सकते हैं। तो ये जी मैंने यहाँ पे सर्व आउट कर लिया। बहुत ही मज़े के बने हैं, मैंने ट्राई किए थे, मुझे बहुत मज़े के लगे हैं। हालांकि मैंने कभी खाए नहीं थे, लेकिन आप भी चेक करिएगा कि साग चावल कैसे बनते हैं। ज़रूर ट्राई करके मुझे बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।